हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरी लर्न। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, मतलब कि आज की 5 बड़ी भर्तियां जिनमें अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लास्ट डेट, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट किया है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसमें आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसे ऑन कर लीजिए। सो आइए अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहली जॉब कौन सी है। तो वो है SSB रिक्रूटमेंट, मतलब कि सशस्त्र सीमा बल, और इसमें आपको पोस्ट मिल जाएंगी कॉन्स्टेबल में, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इसी तरह से आपको बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1522, और इसका पे स्केल है 21,700 से लेकर 59,100 तक, और 10th पास वाले लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है 18 से 23 साल, 18 से 25 साल और 21 से 27 साल तक के बीच में। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दी हुई है जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपये, EWS इज इंक्लूडेड, और ST SC और फीमेल्स के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, और आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे करनी है फीस। इसका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट से या फिर फिजिकल टेस्ट से, और आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जॉब की लोकेशन है ऑल ओवर द इंडिया, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इसकी पूरी आप डिटेल्स इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट दी हुई है 29 अगस्त जो कि निकल चुकी है, पर लास्ट डेट फॉर अप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर 27 सितंबर। सो 27 सितंबर तक का आपके पास बहुत टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी हमारे पास जॉब वैकेंसी जो है वो है नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट, इसके पोस्ट हैं क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब कि PO। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी, इसलिए वेरियस वैकेंसीज लिखा हुआ है। पे स्केल आपको दिया हुआ है क्लर्क के लिए 11,000 से 31,000 तक, और PO के लिए 23,000 से 42,000 तक। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 28 या 30 साल तक। आपकी एप्लीकेशन फीस PO के लिए लगेगी 2,000 और क्लर्क के लिए 1,500। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। इसका अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है। अच्छा, इसका सिलेक्शन भी रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से होता है। इसकी भी जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया है। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग और लास्ट डेट दिख रही है, 15 सितंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद है NHB रिक्रूटमेंट, मतलब कि नेशनल हाउसिंग बैंक, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर भी हैं। पे स्केल इसका है 23,000 से 42,000 तक। इसके लिए क्वालिफिकेशन की नीड है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। एज लिमिट आपको चाहिए 21 से 30 साल तक, लगभग पूरा ये भी नैनीताल बैंक के जैसा ही है। और यहाँ पर आपकी जनरल और OBC EWS वालों की फीस लगेगी 850 और ST SC वालों के लिए लगेगी 175। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। सिलेक्शन आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू, आपको अप्लाई भी इसके लिए ऑनलाइन ही करना है। इसकी भी जॉब लोकेशन है ऑल ओवर द इंडिया, इसकी भी यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 18 सितंबर। फी पे करने के लिए भी लास्ट डेट 18 सितंबर ही है। हमारी चौथी वैकेंसी है PSC रिक्रूटमेंट, मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, थिएटर मैनेजर, खाड़ी, स्टोर कीपर, ऐसे करके आपको यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। पे स्केल आपका है 13,000, 22,000, 19,000, 43,000, 27,000, 49,000 एंड अदर्स, तो मतलब इसके ज़्यादा भी बढ़ सकती है आपका पे स्केल। और उसके बाद क्वालिफिकेशन दी हुई है 7th पास, 8th पास, 10th पास और 12th पास, देन डिप्लोमा। एज लिमिट आपकी मेंशन की हुई है यहाँ पर 18 से 31, 36, 38, 39, 41, 44, 46 साल तक। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको एक नोटिस आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन फ़ीस चेक करनी है। सिलेक्शन इसका टेस्ट और इंटरव्यू है,
अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, और इसकी जॉब लोकेशन है केरला में। केरला के यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 30 सितंबर। उसके बाद है हमारी पांचवी भर्ती, पीएनआरडी रिक्रूटमेंट, मतलब कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें आपको पोस्ट के नाम दिखेंगे, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, गांव पंचायत सेक्रेटरी, टैक्स कलेक्टर कम रोड मोहरार, जूनियर असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 1004, और पे स्केल आपको मिल जाएगा 14,000 से 60,500 तक। क्वालिफिकेशन में आपको कोई भी डिग्री चलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए इसके लिए। और इसके लिए आपकी एज लिमिट मेंशन की हुई है 18 से 38 साल तक। एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं लगेगी, जी यहाँ पर लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फी। और सिलेक्शन है इसके लिए आपका रिटन टेस्ट, आपको इसके लिए भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इसकी जॉब लोकेशन है असम इंडिया में। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है 17 सितंबर 2020 तक। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबकी लास्ट डेट लगभग सितंबर में ही है। और अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो या आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करी है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और इसमें आप पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर आप डिसाइड करिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यहाँ पर बहुत ही डिटेलिंग में सब कुछ दिया हुआ है। या फिर अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, अभी अप्लाई करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो आपको लॉगिन डिटेल्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, या फिर अगर आप एक न्यू मेंबर हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे सबसेक्शंस दिख रहे होंगे। सो अगर आप अपने इस फॉर्म को अभी फिल करना चाहते हैं तो आपको ये सारे सेक्शंस फिल करने होंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।